आ रही है। आज इस साल का आखिरी दिन है यानी कि 31 दिसंबर 2022 एंड साल के आखिरी दिन भाई हमारा कितना प्यारा ट्रिप बन चुका है। वैसे तो अभी हर जगह शोर बहुत ज्यादा पर लोगों को इधर मलोत्रे वाले वो तो भाई बंद है एंड भैया बता रहे हैं वो आगे वो कहीं को शिफ्ट हो चुकी है। होगी शिफ्ट? अच्छा, उसके बाद अब लोग पटियाले आए हैं माता काली के माथा टेकने के लिए। नो डाउट रश। एक तो साला आज का दिन इतना कंफ्यूजिंग है, ऊपर से हम इतने कंफ्यूज उठे कि कहने की हद नहीं। वैसे तो अगर तुम लोगों ने लास्ट वर्क देखा होगा तो तुम लोगों को जरूर पता होगा भी आज शायद से अपन लोगों ने जाना सनौर, एक्चुअली हमारे किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है तो उनकी 13वीं है तो उसमें जाना है अपन लोगों ने। एंड भाई अभी तक मेरा जाने का 50-50 है, पता नहीं मैं जाऊँगा पता नहीं मैं नहीं जाऊँगा। सो आइडिया ऑन डैट, ऊपर से 10 बजे के करीब अपन लोगों ने निकलना है अगर मेरा जाने का बना। एंड उसमें भी भाई अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8:15 हो चुके हैं एंड वो कुछ नहीं समझ में आ रहा है यार, मैं अपने सेंसेस में हुई ही नहीं है एंड इट्स लाइक मैं किसी रोलर कोस्टर राइड पे हूँ। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। ऑल आर डूइंग कल्चर बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया। जिन जिन को नहीं पता, सनौर इज अ विलेज नियर पटियाला एंड वहीं पे हमारे एक रिलेटिव की डेथ हुई, तो बहुत दूर के रिलेटिव है बट जाना भी बनता है यार। भाई मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज उठा हूं ना इस टाइम पे, इतना ज्यादा कहने की हद नहीं। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, वेदर चेंज हो चुका है, मेरी नाक जो दोबारा से ब्लॉक हो चुकी है, साइनस की दिक्कत शुरू हो चुकी है एंड भाई बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कुछ नहीं कह सकता। बचो कोई ना, चाहे जानो चाहे ना जानो, ना दो तो निपटाना ही पड़ेगा। उस बार अपन लोगों ने वीटा बूथ भी जाना है, यहाँ पे 7 सेक्टर पंचकूला, थोड़ा बहुत सामान लाने के लिए, सैंडविचेस के लिए ब्रेड तो है ही है, पनीर भी है ही है। एक्चुअली मैंने पप्पा ने और पप्पा मतलब मेरे एक और कजन ने जाना है, पता नहीं यार। तो चलो अभी तो पहले चल के फटाफट नहा धो निपटाते हैं, फिर नहा धो के मिलते हैं तुम लोगों को। इतनी ज़्यादा बढ़िया धूप होने के बावजूद हमारे मुंह से बड़ा ही घातक धुआं निकल रहा है, बट चलो कोई ना, एट द एंड अभी जो है लोगों का नहा धो तो एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुका है एंड मेरा सनौर जाने का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100% है ही है। उसके बाद देखते हैं शायद से हमारा कहीं और जाने का भी बने, बट हाल फिलहाल तक तो वहीं तक ही जाने का है। एंड अभी यही जर्नी के लिए, छोटी सी जर्नी के लिए, थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए मैं और दीदी जा रहे हैं मार्केट। दीदी सब मार्केट रख जाएगी, सनौर नहीं जाएंगी क्योंकि उनका वैसे भी जाने का मन नहीं है। सो मैं, पप्पा और मेरे कजन ही जा रहे हैं, उन्हीं की गाड़ी लेके जाएंगे। तो फटाफट पुंडी की चाबी चखते हैं, पहले वीटा बूथ चलते हैं, वहां से टॉफियां वगैरह और चिप्स वगैरह उठाते हैं एंड फिर घर आके अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। यार वैसे एक बात है, 2-3 दिनों से ना हमारे गाड़ी धोने वाले भैया भी नहीं आ रहे, जिस करके हमारी पुंडी भी नहीं ढूंढ रही। बट चलो कोई ना, आज मैं कोशिश करूंगा वहां से आके, सनौर से आके ये भी धो दूं। एंड वैसे तो अभी मैंने ट्रैक सूट डाल रखा है बट अभी घर आके मेरे को कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे, जीन्स और जैकेट डालनी पड़ेगी क्योंकि ऐसा हो सकता है अभी अपने को रस्ते में ठंड में। बट बाकी तो कुछ कह नहीं सकते, पप्पा भी जैकेट वगैरह और कुर्ता पजामा ही डाल के जा रहे हैं। सो कोई नहीं, वो तो वहीं चल के ही पता चलेगा कि धुंध मिलेगी ठंड मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऑलराइट गाइस, सो चलो जी फाइनली अभी जो है अपन लोगों का ब्रेकफास्ट तो एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुका है एंड अभी जो है मैं अपने लिए कपड़े डिसाइड कर रहा था। मेरे पास ना टोटल 3 जैकेटों की ऑप्शन है, जीन वही डीजल की डाल लूंगा, डीजल की है वो किसकी है, हाँ डीजल की है, जीन डाल लूंगा साथ में क्वेचा वाली स्वेटशर्ट। अब मेरे पास 3 जैकेटों की ऑप्शन है टोटल, एक तो ब्लू वाली सिंपल सोबर सी, एक ये वाली, ये तो ऑब्वियसली डालता हुआ मैं अच्छा नहीं लगता, एंड एक इसके फ्लिप साइड वाली, ओ खुल जाए मेरी माँ, एक इसके फ्लिप साइड वाली। अब सीन पर है क्या है, ये ना थोड़ी सी फ्लब्ड अप जैकेट है तो इसको तो अपन लोग कैंसिल ही करते हैं, मेरे को वही पेयर सटल सा और बढ़िया सा लग रहा है। इसमें सीन पर है क्या, इसमें थोड़ा फैशन का वो आ रहा है, पप्पा ने भी यही पेयर अप्रूव करा था भी। ये जो ब्लैक स्वेटशर्ट है, इट्स वर्किंग लाइक ए कैनवस, बिल्कुल हाइड हो जाएगी वो, सिर्फ जो लुक आएगी वो सिर्फ जैकेट की एंड जीन की आएगी।
वैसे तो इट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9:58 इन द मॉर्निंग एंड सिर्फ 10 मिनट है मेरे भैया को यहाँ पे आने के लिए। सो फिर लोग फटाफट तैयार होते हैं, टॉफियाँ वगैरह पॉकेट में पाते हैं, पावर बैंक, चार्जिंग केबल सब कुछ उठाते हैं एंड निकलते, टाइम मिलते हैं तुम लोगों को। यार वैसे ना मैं जैकेट बहुत अपने लोकेशन से नहीं डालता हूँ, मतलब वन सीन ब्लू मून ही डालता हूँ। एंड वैसे तो जनरली इसके साथ में एक मेरे पास येलो कलर की स्वेटशर्ट है वो डालता हूँ, लेकिन वो यार अंदर पड़ी हुई है, निकाली नहीं है मम्मी ने अभी तक, तो अपने को ब्लैक डालनी पड़ी। बट भाई सही बता रहा हूँ, ब्लैक में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है लुक, मतलब प्यारी आ रही है। एंड यहाँ पे अपने लोगों ने पैसे भी रख लिए अपने पास, और बहुत भोंकती है, नंदन चल के ब्लॉक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन लोगों ने पैसे भी रख लिए, टॉफियाँ वगैरह सब कुछ रख लिया, बस वो बैग उठाना अपन लोगों के, पानी की बोतलों का, एंड उसमें है एक गेस्ट टॉवल, एंड अपने भैया भी बस आने ही वाले हैं। तो बस जैसे ही पप्पा तैयार होते हैं अपन लोग निकलते हैं फटाफट अपनी जर्नी की तरफ। चंडीगढ़ से सनौर पहुंचने में तो अपने को एज सच कोई भी दिक्कत नहीं हुई, मतलब 0%, बट सनौर गुरुद्वारा ढूंढने में भाई बहुत दिक्कत हुई। मतलब अपने को ये आइडिया था कि आउटस्कर्ट्स पे है, बट ना भाई, वी वर रॉन्ग। जो आउटस्कर्ट्स पे है गुरुद्वारा साहिब वो दूसरे हैं, जहाँ पे अपन लोगों ने जाना था वो दूसरे हैं। बट चलो कोई ना, एट द एंड घूमते घुमाते अपन लोग पहुंच ही गए। 12 बजे का टाइम था, 12:30 ऑलमोस्ट हो रहे हैं। भैया की गाड़ी की चाबी मेरे पास ही है, गाड़ी लगा दी अपन लोगों ने एकदम बढ़िया तरीके से। आई डोंट नो ये लॉक कहाँ से होगी, चाबी से होगी, इससे होगी, बट चलो कोई ना, अब तो फटाफट अंदर चलते हैं, अंदर चल के माथा टेकते हैं एंड फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या स्टोरी, क्योंकि शायद से हमारा यहाँ से पटियाले जाने का भी बन रहा है माता काली के माथा टेकने का। तो चलो पहले तो अपन लोग निकलते हैं यहाँ से। भाई 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 मैं फंस गया, निकलना बड़ा औखा यार। हमने ना गाड़ी बिल्कुल यहीं पे पास में ही लगा रखी है। तो अब तो फटाफट चलते चल के माथा टेकते हैं एंड फिर तुम लोगों को मिलते हैं, आराम से अपडेट देते हैं। तो फाइनली अभी जो है अपन लोगों ने माथा वगैरह तो टेक लिया एंड साथ में लंगर भी खा लिया अपन लोगों ने। अभी भैया और पप्पा गाड़ी निकाल रहे, मैं तब तक सोच रहा हूँ ऐसी थोड़ी सी यहीं पे आसपास ही ब्लॉग कर लूँ, 4:30 ब्लॉग बना लूँ। अभी का तो सीन खैर कुछ इस प्रकार है, अभी अपन लोगों ने यहाँ का काम हो चुका है, मतलब अब अपन लोग सबसे मिलमुल भी लिए एंड पटियाला यहाँ से ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो शायद से अपन लोगों का माता काली के माथा टेकने का बन रहा है। उसके बाद देखते हैं, शायद से पकौड़े वगैरह और भी चीज़ें होती रहेंगी, बट अभी तो इनिशियली अपन लोगों का माता काली के माथा टेकने का है। तो फटाफट चलते हैं, चल के वहां पे माथा टेकते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। गाड़ी निकाली तो ना लगता है मेरे को ही जाना पड़ेगा। चलो पहले तो इनके साथ पहले गाड़ी निकलवाते हैं, क्योंकि ये भी यहाँ पे प्रोजेक्ट ही है गाड़ी मोड़ना, फिर मिलते हैं तुम लोगों से आराम से। तो ना अभी भी याद है बचपन में हमारे और हमारे एक मित्र हुआ करते थे, हम भी साइकिल पे बिल्कुल ऐसे ही जाया करते थे। एक बार हमारे ट्यूशन टीचर को लगा भी अपन लोग नट पे चढ़ के जा रहे हैं, बट इसका कोई सिस्टम होता है, पता नहीं इसको जंप बार कुछ ऐसे से ही कहते हैं, मेरे को स्पेसिफिक नाम नहीं आता, बट टायरों के दोनों साइड ही ऐसे लग जाता है, बस इस पर चढ़ो और चली चलो। और ये अपन लोग अभी जो है पटियाले का शेरा वाला गेट क्रॉस कर रहे हैं। पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, दिखी कहीं पे ये मोटर बाइक साइड करे बस हाँ हो सकता है, या यहाँ पे कहीं ना कहीं तो मिली जाएगी जगह। हाँ बस ठीक है फिर, अभी माता का मंदिर तो खैर उधर वाली साइड है, बट फिर भी अपन लोगों को पार्किंग कहीं ना कहीं तो देखनी ही पड़ेगी। ये जो ये वाली बाइक है ना जहाँ पर लोग पहले लगाने की सोच रहे थे, ये इन्हीं की बाइक है एंड बाय द ग्रेस ऑफ देम एंड गॉड इन्होंने बाइक साइड करने को हामी भर दी है। 10 मिनट का काम है, बस फटाफट अपन लोगों ने माथा टेकना है, फटाफट यहाँ पे बस फटाफट गाड़ी लगाते हैं अपन लोग, माथा टेकते हैं फिर वापस आ जाएंगे। इतने बिजी एरिया में चलते चलते ब्लॉक करना केड़ा सौखा है, बट चलो कोई ना, एट द एंड अपन लोगों की गाड़ी लगी गई। जिस बाइक को अपन लोगों पुलिस वालों की समझ रहे थे, पुलिस वालों की नहीं थी, वो वेरका वालों की थी एंड उन्होंने अपने बाइक साइड करके अपने को गाड़ी लगाने थी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द ग्रेस ऑफ मैन। एंड मैं ना अभी दिमाग में एक बात आ रही है, आज इस साल का आखिरी दिन है, यानी कि 31 दिसंबर 2022 एंड साल के आखिरी दिन भाई हमारा कितना प्यारा ट्रिप बन चुका है।
वैसे तो अभी हर जगह शोर बहुत ज्यादा भरा है, तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। बट देखो पहले अपन लोग उस गांव में गए, उस एरिया में गए जहाँ मैं आज तक कभी नहीं गया, सुनौर। उसके बाद अब अपन लोग पटियाले आए माता काली के माथा टेकने के लिए। नो डाउट रश और शोर बहुत ज्यादा है। पहले एम्बुलेंस निकल जाए तो फिर ब्लॉक करते हैं। नो डाउट रश और शोर बहुत ज्यादा है, बट जो एक्साइटमेंट जो किक जो एड्रेनलिन रश अभी मिल रहा है ना भाई, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। तो फटाफट अपन लोग मंदिर भी पहुंच चुके हैं, रश अपने को हल्का सा तो दिख रहा है। फटाफट माथा देखते हैं फिर तुम लोगों को माथा टेक के ही मिलते हैं आराम। जैसे जैसे करके अपन लोगों ने माता काली के टेंपल का मत्था टेक लिया। एंड भाई एक टाइम पर जब मैंने रश देखा था ना, मेरे को लगा आज नहीं बारी आती, बट बाय द ग्रेस ऑफ महामाई अपना 1.5 घंटे में बड़े प्यारे बड़े आराम से दर्शन हो गए। एंड अभी अपन लोगों का प्लान बन रहा है अनारदाना चौक मल्होत्रे के पकौड़े खाने का। यहाँ पे पटियाला में काफी फेमस पकौड़े हैं मल्होत्रे के, मतलब जब भी अपन लोगों का जब जब चक्कर लगता है तब तक प्लान बन ही जाता है। एंड तो गाड़ी तो अपनी यहीं कहीं पर पार्क होगी, पहले तो अपन लोग वहीं चलते हैं आराम से पकौड़े खाते हैं एंड तुम लोगों को भी दिखाते हैं। यार थोड़ा सा ना वो भीड़ देख के क्लोस्ट्रोफोबिया हो गया, इस करके थोड़ा सा मर भी कर रहा हूँ एंड हालत भी खराब हो रही है। बट चलो कोई ना, अभी तो अनारदाना चौक यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, तो फटाफट चलते हैं, चल के वहाँ पे आराम से बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, तुम लोगों को भी दिखाते हैं। भाई साहब जिस दुकान से तो अपन लोग पहले पकौड़े खाया करते थे मल्होत्रे वाले, वो तो भाई बंद है। एंड भैया बता रहे हैं वो आगे वो कहीं को शिफ्ट हो चुकी है। हो गई शिफ्ट? अच्छा ठीक। भैया ने बताया कि वो जो दुकान है वो शिफ्ट हो चुकी है एंड अब यहाँ पे है। बड़ी प्यारी दुकान बना लिया जिन्होंने, वैसे बड़े टाइम तक जब तक ना आया ना तब तक यही सिस्टम हो जाता है। तो चलो कोई ना, हम लोग फटाफट अंदर चलते हैं, चलते आराम से पकौड़े एंजॉय करते हैं, फिर तुम लोगों को टेस्ट टेस्ट करके बताते हैं। देखते ही देखते शाम के ऑलमोस्ट 6 कैसे बज गए पता ही नहीं चला। एंड भाई अभी अपन लोग वी आर ऑन आर वे बैक होम मल्होत्रे के पकौड़े खाने के बाद। एंड दोज वर सो यम कहने की हद नहीं। एंड अभी शायद से तुम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में ही देखोगे वो जो सेकेंड जनवरी को रिलीज होगा, 1 जनवरी को रिलीज होगा। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरीवन ऑफ यू ऑल द लवली पीपल ऑफ द इंटरनेट। अभी तो खैर वी आर ऑन आर वे बैक होम एंड ये किसी मिनी हवेली हम इस पे रुके हुए हैं, तो सोचा ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब जितनी देर में घर जाकर रेंडर होएगा फिर अपलोडिंग पे लगा दूंगा। तो ऑलमोस्ट शाम के 6 बज चुके हैं, अब लोगों के पास दिखाने कुछ नहीं बचा, तुम लोगों के पास देखने कुछ नहीं बचा। तो इसी नोट पे करते हैं आज की वीडियो को एंड। होप करता हूं तुमको आज वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल मैं एक नई एक्सपीरियंस के साथ। बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल।